पहचान मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खूब पसीना बहाया, लेकिन कांग्रेस का बंटाधार हो गया। कांग्रेस का इक्यू महागठबंधन का भी बंटाधार हो गया। आरजेडी नेता तो यही मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और जीती सिर्फ 19 सीटें। जितने लोग यहाँ आए हैं, एक आदमी 10-10 वोट का उपाय करे, 10 के बाद 10 लाख रोजगार, तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा जितने। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का एजेंडा सेट कर दिया था, जिस पर बाद में बीजेपी को भी आना पड़ा। ये बात खुद कांग्रेस के लोग जब बोल रहे हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इशारा काफी है। उनकी वजह से ही आप लोग थोड़ा सा चूक गए हैं। तो बता तो रहे हैं कांग्रेस के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता कह रही है, हमारा बोलना उचित नहीं होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से आप लोग सरकार नहीं बना पाए? अब चलिए गठबंधन में है, किसी को मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा है कि हाँ साहब, मिला जुला तो सरकार की साजिश हुई है। केंद्र में बैठी हुई सरकार एक तरह का हाथ कंडा किया है और इन केन प्रकार हम लोगों को रोकने का प्रयास है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हम लोग सरकार बनाएंगे, समय आने दी। तेजस्वी यादव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी पार्टी को जमकर वोट भी मिले, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस के स्ट्राइक रेट ने तेजस्वी को झटका दे दिया। अब तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी को सत्ता नहीं मिली तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर जा चला गया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 110 सीटों पर आकर ठहर गया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसको 75 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को 70 सीटें देने का तेजस्वी का फैसला गलत था। सवाल ओवैसी को कमतर आंकने पर भी उठ रहे हैं। हम सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण आज महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, और उसमें जो भी दोषी लोग हैं आला कमान इसकी जांच करे और उन लोग पर कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता है और आप कह रहे हैं कांग्रेस के कारण नहीं बनी? हाँ, नहीं बनी, एकदम सही बात है। 70 में आप 19 आ रहे हैं तो आप कांग्रेस के कारण नहीं बनी सरकार। महागठबंधन में सबसे खराब रेट भी कांग्रेस का ही है। CPIML 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। स्ट्राइक रेट रहा 63.2%। RJD 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीत पाई। स्ट्राइक रेट रहा 52.1%। कांग्रेस 70 सीटों में से 19 पर ही जीत पाई। स्ट्राइक रेट रहा 27.1%। तो क्या कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी रही? ये सवाल अब महागठबंधन के भीतर उठने लगे हैं। आरजेडी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ना बनने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।